ना बाबा ना, मुझे मार्केट रेस से डर लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एपिसोड नंबर 3। आज के एपिसोड में हम SIP म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, विच इज वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विद मार्केट रिस्क। दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट विच आई हैव गिफ्टेड टू माय चाइल्ड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बिकॉज चाइल्ड इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए होता है चाइल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में सीख लेंगे तो आप भी खुद SIP म्यूचुअल फंड में अपने बच्चे के लिए निवेश कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर सीरीज, अगर आप उससे सीखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। Why SIP म्यूचुअल फंड? SIP आप एज लो एज ₹500 से भी शुरू कर सकते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो महंगाई को भी बीट कर सकती है, दैट इज इट कैन बीट द इन्फ्लेशन। लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि आपको इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट भी मिलेगा एंड ₹500 भी करोड़ बन सकते हैं। और अगर आपको मार्केट रिस्क का डर लगता है तो अगर आप 20 इयर्स का मार्केट रिस्क को देखेंगे तो मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है, तो आपको बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। हाउ एंड वेयर टू ओपन SIP म्यूचुअल फंड? SIP आप दो तरह से खोल सकते हैं, आप खुद से भी खोल सकते हैं या फिर एजेंट के थ्रू। अगर आपको नॉलेज है और आप खुद से अगर डायरेक्टली ऑनलाइन खोलेंगे तो उसको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कहते हैं, और अगर आप एजेंट के थ्रू खोलेंगे तो उसको रेगुलर SIP म्यूचुअल फंड कहेंगे। मैच्योरिटी अमाउंट, आइए मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में जानते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट आप पर डिपेंड करता है क्योंकि SIP म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होता है, इसका कोई क्लोज एंड नहीं होता, यानी कि आप जब चाहे इसको खत्म यानी कि बंद कर सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे समय के लिए इसको रखना चाहते हैं। The best way to open SIP is to set a goal. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कितने लंबे समय के लिए SIP में निवेश करना है तो हमेशा एक गोल सेट कीजिए। How to set a goal? आइए जानते हैं SIP म्यूचुअल फंड में कैसे गोल सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, गोल्स लाइक चाइल्ड हायर एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड रिटायरमेंट प्लानिंग, इस तरह से आप SIP को गोल सेट करके ओपन कर सकते हैं। कैलकुलेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड हायर एजुकेशन के लिए अगर आप 18 साल के बाद अगर आपको जरूरत पड़ेगी और आपने 2000 का SIP 18 साल के लिए खोला तो मैक्सिमम अमाउंट आपको 25 लाख मिल जाएगा, तो हायर एजुकेशन के लिए आपके बच्चे के लिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चाइल्ड मैरिज, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चे की शादी 25 साल के बाद होने वाली है और आप एक SIP खोल देते हैं ₹1000 फॉर 25 इयर्स, तो अप्रोक्सीमेटली आपको उसमें मेच्योरिटी अमाउंट 30 लाख तक मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल ही अपने बच्चे के लिए शादी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि 25 इयर्स के बाद आपके हाथ में 30 लाख होने वाला है। और इन दोनों के अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे का रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर दे, अगर आप अपने बच्चे का ₹500 SIP उसके बॉन्ड डे के साथ ही अगर शुरू कर दे तो 60 इयर्स के बाद वही ₹519 करोड़ बन जाएगा, तो उसको बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने रिटायरमेंट के लिए। 60 इयर्स के बाद उसके हाथ में इमेजिन ₹519 करोड़ हो जाएगा। कंक्लूजन,
अब आइए कंक्लूजन में इस वीडियो के बोनस पॉइंट के बारे में बता दूं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट टू बीट द इन्फ्लेशन। नो नीड टू वरी अबाउट द मार्केट रिस्क, क्योंकि 20 साल या 30 साल का आप मार्केट हिस्ट्री अगर देखेंगे तो मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है। पीएस, म्यूचुअल फंड में खुद से निवेश करने के लिए नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप और सीखना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड बिगिनर सीरीज जो मैं बनाई हूँ वो आप देख सकते हैं। वन कैन बिकम अ करोड़पति विदाउट इवन बर्निंग अ होल इन अ पॉकेट, क्योंकि आप एज लो एज ₹500 से शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और नॉलेजेबल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।